सिस्टम को बनाने से पहले कुछ और दूसरी बात सीखते हैं। ट्रिपलेट, एक आप लोग वर्ड जानते हैं, ट्रिपलेट मतलब ये होता है कि दो नंबर को स्क्वायर करने पर तीसरा नंबर आ जाए, तीसरे नंबर का स्क्वायर आ जाए। तो जैसे ट्रिपलेट की बात करें, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो हम लोग ऑड नंबर के ट्रिपलेट की बात करते हैं। अगर कोई नंबर ऑड नंबर है, जैसे तीन है, तो ट्रिपलेट निकालना हो तो तीन का स्क्वायर करिए नौ, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, हमेशा स्क्वायर करके एक घटाइए। तीन स्टेप याद रखिएगा, स्क्वायर करेंगे, कम करेंगे, आधा करेंगे। याद रखिएगा, गाना के रूप में स्क्वायर करेंगे, कम करेंगे, आधा करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे नौ, एक कम करेंगे आठ, हाफ कर दीजिए तो चार। ये दूसरा साइड, पहला साइड ये, दूसरा साइड ये, और तीसरा साइड इससे एक ज्यादा यानी पांच हो जाएगा। जैसे फिर लेते हैं दूसरा नंबर, और नंबर पांच लेते हैं, क्या आपसे बताए, स्क्वायर करिए पच्चीस, एक कम करिए चौबीस, आधा कर दीजिए बारह। ये दूसरा साइड हो गया, और तीसरा साइड बहुत आसान है, इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये तीसरा साइड हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सात है, स्क्वायर करेंगे उनचास, एक कम कर देंगे अड़तालीस, हाफ कर देंगे चौबीस। ये चौबीस दूसरा साइड हो गया, तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा, पच्चीस। अब आप देखिए इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन को बनाने में अगर करते हैं तो कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है। साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, यानी ये 11 है और ये आपका 61 यूनिट है। हमें बेस पता करना है तो ट्रिपलेट का यूज करेंगे, ऑड है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, एक कम कर देंगे 120, उसका आधा करेंगे तो 60। ये 60 हो गया, तो एक बड़ा ये 61 है, यानी आपका परपेंडिकुलर बाय बेस और हाइपोटेनस का रेशियो पता है। आपसे पूछा गया कॉट थीटा, आप जानते हैं कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, बेस बट्टे परपेंडिकुलर, जो कि बेस की जगह हम लोग 60 रखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह हम लोग 11 रखेंगे। 60 बट्टे 11 आपका आंसर होगा। कमेंट में आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कि क्या होगा।